तो भाई ये 60 साल के बाद की उम्र नहीं है व्याकरण पढ़ने की, ये पहले ही पढ़ना रहता है। इसलिए देखो यहाँ दे दिए शास्त्र यानी व्याकरण आदि शास्त्र, इससे कोई कोई पढ़ लेता है, उसका मैं अपवाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्राय करके देखिए 60 साल के बाद नहीं पढ़ पाए, तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। इसलिए व्याकरण आदि शास्त्र इससे किमु प्रयोजन, अब तब तो आपको अज्ञान को दूर करना है, व्याकरण आदि से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, तो पहले इसीलिए पढ़ना रहता है। मंत्र ही सप्त कोटि भी किम, 7 करोड़ मंत्रों से भी क्या मिलेगा, 7 कितने कितने भी मंत्र हो उनसे भी क्या मिलेगा। औषधि यानी संजीवन्यादि मूलिका भी, संजीवनी आदि जड़ी मूलिका यानी जड़ी, उन जड़ी सी जड़ियों से भी किमु वह भीर वह किमु फलम, क्या फल मिलेगा, मतलब तेसाम मध्य केसाम अपि अज्ञान सर्प दर्शन दंशन प्रयोज्य मोह निवर्तकत्वा भावात्, इनके बीच में कोई भी अज्ञान सर्प के जो दंशन है काटना है उससे होने वाला जो मोह, बता दिए कि अज्ञान से आवरण और विक्षेप यही दंशन है, सांप काटता है तो यहाँ क्या काटना है, यह आवरण और विक्षेप, उससे होने वाला जो मोह, उस मोह की निवृत्ति इससे नहीं हो पाएगी। वेद यानी कर्म कांड भाग, लौकिक शास्त्र, अन्य आत्मा से इतर अन्य जो है चीज़ों का प्रतिपादन करने वाले मंत्र, इन सब से कुछ नहीं मिलने वाला है, इन सब से इसीलिए वो आत्म प्रतिपादक शास्त्रों का ही अध्ययन करना चाहिए। इसलिए आया मंत्र नानुध्यायात बहुन शब्दात वाचो विकलापनम ही तत्, बहुत जो है शब्दों का अध्ययन, बहुत शब्द मतलब आत्म प्रतिपादक शब्द से भिन्न शब्द, आत्मा का कथन करने वाले शब्द तो पढ़ोगे ठीक है उससे लाभ होगा, किंतु आत्म प्रतिपादक शास्त्र से भिन्न शास्त्रों का अध्ययन बहुत न करे। वाचो विकलापनम ही तत्, बोले वो तो वाणी का व्यर्थ में श्रम ही है, इसलिए इन सब साधनों से नहीं मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि से ही अज्ञान रूपी सर्प का जो दंशन है वो दूर होगा, जन्म मरण को दूर वही कर सकता है। तो बोले भाई शब्द मात्र क्यों नहीं दूर करेगा, देखो अब यहाँ दिखा रहे उदाहरण दे करके दिखा रहे, शब्द मात्र से मोक्षा हेतुत्वम दृष्टांतेन आह, दृष्टांत दे करके कह रहे कि शब्द मात्र मुक्ति का हेतु नहीं बनेगा, केवल शब्द से नहीं बल्कि, हाँ जी बोलिए। हाँ ये मैंने सुना है कि लघु सिद्धांत या तो अष्टाध्यायी का अनुष्ठान करने से, हाँ सतत अनुष्ठान करने से भी मोक्ष मिल जाता है, ऐसा कुछ मैंने सुना है। नहीं नहीं मोक्ष नहीं मिलेगा, सिद्धि मिलेगी। अच्छा, हमारे दशम पीठाधीश्वर जी ने, उनको अष्टाध्यायी पूरा याद था, बड़े अच्छा। बड़े ऐश्वर्यशाली हुए, और बाबा रामदेव अच्छा, को अच्छा। बाबा रामदेव को अष्टाध्यायी याद है, अच्छा। बाबा रामदेव को अष्टाध्यायी याद है, उनको कितना ऐश्वर्य मिला, तो उससे ऐश्वर्य अच्छा, मिलता, हाँ उससे ऐश्वर्य मिलेगा, मुक्ति नहीं, मुक्ति के लिए भाई ये यही इसी से मिले, इसी से हो पाएगा, मतलब आत्म प्रतिपादक शब्दों से ही मिलेगा, दूसरा कोई साधन नहीं, हाँ उन सब से सिद्धि तो मिल जाएगी लेकिन और नहीं। हाँ चलिए देखिए देखिए आगे, तो शब्द मात्र से मोक्षा हेतुत्वम दृष्टांते नाह, शब्द मात्र मोक्ष का हेतु नहीं है, इसको दृष्टांत के द्वारा दिखा रहे न गच्छति। श्लोक नंबर 64 देखिए, न गच्छति विना पानं, व्याधिरौषध शब्दतः बिना परोक्षानुभवं ब्रह्म शब्द न मुच्यते। न गच्छति बिना पानम, जब तक हम दवाई को पिएंगे नहीं व्याधि, तब तक व्याधि नहीं जाए। औषध शब्द, ये जड़ ये औषध है, ये दवाई है, ये दवाई है, कितना भी बोलते रहो, जब तक आप उसको अंदर नहीं ले जाओगे तब तक आपकी बीमारी नहीं दूर होगी।
जैसे कोई बोली व्यक्ति बोले, बहुत गरीब व्यक्ति, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, तो धनी धनी बोलने से कोई धनी होने वाला नहीं। गुड़ 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 बोलने से क्या मुंह में मीठा हो जाएगा? गुड़ गुड़ बोलने से कोई मीठा नहीं। शक्कर शक्कर बोलते रहो, शक्कर शक्कर शक्कर, मुंह मीठा होता है क्या? ये सब शब्द बोलने से नहीं होता है, वो जो है उसको खाना पड़ेगा। गुड़ को खाओगे तब मीठा लगेगा, धन का अर्जन करोगे तभी धनी हो पाओगे। ऐसे यहाँ पे औषध का सेवन करोगे तभी व्याधि दूर होगी, है ना? इसलिए उदाहरण आता है, कोई व्यक्ति है वो वैद्य से दवाई लिया, वैद्य राज से दवाई ली, कोई बहुत उसको बीमारी है और दवाई लिया, लेकिन उसका मुंह जो है बीमारी की वजह से खराब हो गया है, मतलब कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, तो दवाई ले जा करके रख दिया, खाया नहीं। उसने कहा, केवल बोल रहा है, मैंने दवाई खा लिया, मैंने दवाई खा लिया, मैंने दवाई खा लिया, केवल ऐसा बोला। अब तीन दिन बाद वैद्यराज के पास गया, तो वैद्यराज से जा करके क्या बोला आपको बताता हूँ मैं, कि औषधम शब्दतः पीतम नीतम अंतर मया भिषक कुतो न नश्यति व्याधिरत्र उत्तरम ब्रवीतु में। वो वैद्यराज से बोला, हे भिषक, हे वैद्यराज जी, मैंने औषध को शब्द से पिया। कैसे पिया? शब्द से। दवाई को मैंने शब्द से पिया, अंदर ले गया, शब्द से मैंने चिंतन करते हुए दवाई को पिया, अंदर ले गया, लेकिन मेरी व्याधि क्यों नहीं नष्ट हो रही, इसका उत्तर आप दो। तो फिर वैद्यराज ने भी उसी प्रकार का उत्तर दिया। उन्होंने उत्तर दिया, औषधा शब्दतः पीतम व्याधि तु शब्द तो गतम कथम न मन्यते मूढ़ नैव पीतम न गच्छति। औषध को जब तुमने शब्द से पिया है तो तुम्हारी बीमारी भी मैं बोलता हूँ शब्द से चली गई, मैं बोलता हूँ तुम्हारी बीमारी गई, है ना? व्याधि भी शब्द से चली गई, व्याधि तुम्हें नहीं है, मैं बोल दिया। तो कथम न मन्यते मूढ़ है, मूर्ख तुम मानते क्यों नहीं? शब्द से तुमने पिया है तो व्याधि भी तुम्हारी शब्द से चली गई, इसलिए नैव पीतम न गच्छति। अगर पियोगे नहीं तो अर्थता नहीं जाएगी, शब्दता तो पियोगे तो शब्दता ही जाएगी, अर्थता नहीं जाएगी। तो बस यही बात यहाँ बता रहे कि न गच्छति बिना पानम व्याधि औषध शब्द स, दवाई 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 चिल्लाते रहो वो जो है व्याधि जाएगी नहीं। इसी प्रकार बिना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्द न मुच्यते, सुबह से लेकर शाम तक ब्रह्म 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 ऐसे बोलते रहो, बोलने से थोड़ी जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। अपरोक्ष अनुभव के बिना ब्रह्म शब्द का उच्चारण करने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। देखिए टीका में, व्याधि मतलब रोग, पानम बिना मतलब औषध पान के बिना, औषध का सेवन नहीं करोगे तो, यानी तद बोधकाद केवल ज्ञान जांच बोधक जो औषधम औषधम इति शब्दोच्चारणात् न गच्छति, बारंबार शब्द का उच्चारण करे औषध 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 औषध, इससे नहीं जाएगी, न निवर्तते। तो जैसे ये बात है तदवत ठीक ऐसे ही समझिए, अपरोक्षानुभव मतलब आत्म साक्षात्कार बिना, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, केवलम उपनिषद घटक ब्रह्म शब्द, उपनिषद में आने वाले जो ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म शब्द बोलो, ब्रह्म शब्द का विग्रह बोलो, इन शब्दों के द्वारा न मुच्यते यानी निवृत्त बंधो न भवति, बंधन से रहित नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे शब्द मात्र मोक्ष का हेतु नहीं बनता, इसलिए पूरे दृश्य को मिटाना पड़ेगा, दृश्य का विलय बाध करना पड़ेगा, और बाध करने के लिए ठीक ढंग से तत्वाभिमुख हो करके विचार करना पड़ेगा, तभी जो जाके अनुभव में आएगा। ये बात यहाँ बता दी। अब आगे का जो प्रसंग आएगा, अभी दो दिन तो अनध्याय रहेगा, इस बार दो दिन इसलिए है कि प्रतिप्रदा तिथि का क्षय है, इसलिए मंगलवार और बुधवार दो दिन अनध्याय, गुरुवार से हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति।